गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शतांशु गुप्ता। मैंने अभी इससे पहले आपकी कार्बोहाइड्रेट की क्लासेस ली थी और लगभग 3 लेक्चर मेरे कार्बोहाइड्रेट में हो गए हैं। तो इसमें आप लोग ने ये पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, बायोलॉजिकल रोल क्या है। आज हम कार्बोहाइड्रेट का एक डिफरेंट एस्पेक्ट पढ़ेंगे कि अगर कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म सही प्रकार से नहीं हो पा रहा है तो हमको कौन सी डिजीज़ होगी, या कौन से ऐसे डिजीज़ है जो जेनेटिकली इनहेरिट होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, और वो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के इंटरप्शन या फिर हिंड्रेंस क्रिएट करती है। तो ऐसे कौन कौन से डिजीज़ है उसके बारे में भी हम जानेंगे आज। तो शुरू करते हैं कि डिजीज़ रिलेटेड टू द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। क्लियर? सो इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट सच एज ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, डिफरेंट एंजाइमेटिक पाथवे आर इन्वॉल्व। फॉर एग्जाम्पल कि TCA इन्वॉल्व होता है, या फिर ग्लाइकोलिसिस इन्वॉल्व होता है, या ETC इन्वॉल्व होता है ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म या कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए डिफरेंट पाथवेज इन्वॉल्व होते हैं। सो डिसऑर्डर, अगर ये पाथवे में कोई एंजाइम इफेक्टेड हो जाए, कोई एंजाइम ऐसा हो जो काम नहीं कर रहा हो, या कोई एंजाइम ऐसा हो जो मिसिंग हो, तो उनसे जो उत्पन्न होने वाली डिजीज़ है वो कहलाती है मेटाबॉलिक डिजीज़। और चूंकि वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हो रही है इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिक डिजीज़। तो सबसे पहले इसमें जो है वो डायबिटीज़ मेलाइटिस है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग DM कहते हैं, डायबिटीज मेलाइटिस। सो अकॉर्डिंग टू द WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डायबिटीज मेलाइटिस को एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर नाम दिया है कि मल्टीपल इटियोलॉजी कैरेक्टराइज बाय द क्रॉनिक हाइपरग्लाइसीमिया विद डिस्टर्बेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म रिजल्टिंग फ्रॉम डिफेक्ट्स इन इंसुलिन सेक्रेशन। सो द ग्लूकोज लेवल इनहांसेस इन आवर ब्लड स्ट्रीम। तो WHO ने बताया कि अगर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म या फैट मेटाबॉलिज्म या प्रोटीन मेटाबॉलिज्म सही प्रकार से नहीं हो रही है तो इंसुलिन के बनने पे क्या हो रहा है कि इफेक्ट हो रहा है, इफेक्शन, देयर इज अ इफेक्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, तो उसको आप बोलते हो कि हाइपरग्लाइसीमिक कंडीशन। जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो इट इज कॉल्ड एज अ हाइपरग्लाइसीमिया। सो इसमें क्या क्या सिम्टम्स हैं वो हम देखेंगे, क्या इटियोलॉजी है, कैसे हम क्योर करेंगे। सो ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल स्टेजेस एंड द इटियोलॉजिकल टाइप DM कैन बी डिफाइंड एज अ फॉलोज। फर्स्ट, इंसुलिन रिक्वायरमेंट फॉर सर्वाइवल। जब क्लिनिकल स्टेज होती है तो बेस्ड ऑन द क्लिनिकल स्टेजेस डायबिटीज मेलाइटिस कैन बी क्लासिफाइड एज फर्स्ट इंसुलिन रिक्वायरमेंट फॉर सर्वाइवल। दिस करस्पॉन्ड टू द फॉर्मर क्लिनिकल क्लास ऑफ इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। तो जब इंसुलिन क्या चाहिए हमको, बाहर से चाहिए, तो हम लोग उसको बोलते हैं कि इंसुलिन डिपेंडेंट DM है, इंसुलिन पे डिपेंड है डायबिटीज मेलाइटिस। लेकिन कह रहा है कि इंसुलिन रिक्वायरिंग फॉर कंट्रोल, दिस क्लास इज कैरेक्टराइज बाय द रिक्वायरमेंट ऑफ इंसुलिन फॉर मेटाबॉलिक कंट्रोल रेदर देन फॉर सर्वाइवल। अब यहाँ पर क्या है कि ऊपर आपको इंसुलिन चाहिए था आपने जिंदा रहने के लिए, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपको सिर्फ मेटाबॉलिक कंट्रोल करना है, आपको जिंदा नहीं रहना है, आप बचे हुए हो लेकिन आपके शरीर में ग्लूकोज लेवल बहुत बढ़ जा रहा है, तो इसलिए इंसुलिन चाहिए। तो आपको सिर्फ कंट्रोल करना है अपना मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जो है हो रखे हैं उसको कंट्रोल करना है। फर्स्ट इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, और सेकेंड जो चीज़ है कि नॉन इंसुलिन रिक्वायरिंग, दिस इंक्लूड्स दोज इंडिविजुअल इन हुम डायबिटीज कैन बी कंट्रोल्ड सेटिस्फैक्ट्री यूजिंग नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड्स और ड्रग्स विदाउट द यूज ऑफ इंसुलिन। इसमें क्या है कि कुछ ड्रग्स लेना है या फिर आपको कुछ अपनी फिजियोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स या फिजियोलॉजिकल बिहेवियर चेंज करना है जिससे डायबिटीज कंट्रोल हो जाएगी और आपको इंसुलिन बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इंसुलिन डिपेंडेंट एंड इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। द लेटर टू टाइप्स ऑफ करस्पॉन्ड टू द फॉर्मर क्लास ऑफ नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, टाइप 1, टाइप 2। अकॉर्डिंग टू इटियोलॉजी, बेस्ड ऑन द इटियोलॉजी डायबिटीज मेलाइटिस कैन बी क्लासिफाइड एज टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस,
इटियोलॉजी को देखते हुए डायबिटीज मेलिटस को दो में डिवाइड किया गया। पहला था टाइप 1। टाइप 1 में क्या था कि जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं, बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है, वो क्या है कि डिस्ट्रक्ट हो जा रही थी। तो इससे क्या हो रहा था कि आपका इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं हो रहा था। तो इस तरीके टाइप 1 में दिस टाइप इज करेक्टराइज्ड बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्स, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स, इंसुलिन रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल। दिस टाइप वॉज प्रीवियसली रिफर्ड टू एज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। तो पहले इसको हम लोग इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज कहते थे, लेकिन अब उसका नाम क्या हो गया, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। तो इसमें क्या है कि जो इंसुलिन प्रोड्यूस करती है बीटा सेल ऑफ लैंगरहैंस, वो डिस्ट्रक्ट हो जाती है, वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करती। ओके, नॉट टाइप 1 इम्यून मीडिएटेड डायबिटीज मेलाइटिस, इन दिस टाइप ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स ऑफ अकर। ऑटो इम्यून डिजीज है, ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन मतलब आपकी सेल ही आपकी सेल को खाने लगे, दैट इज कॉल्ड एज ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन। तो बीटा सेल्स जो है, बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस जो हैं, वो ऑटो इम्यून हो जाती हैं, वो अपने आप डिस्ट्रक्ट हो जाती हैं और इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं करती। सो इस तरीके की हम लोग टाइप 1 इम्यून मीडिएटेड डायबिटीज मेलाइटिस को हम लोग इसमें रखते हैं। और ये जो है बहुत ही चाइल्डहुड में ही हो जाती है, ये अगर बचपना है तो भी वहाँ पर हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेल्स जो हैं वो आपकी डिस्ट्रक्ट हो जा रही हैं। टाइप 1 आइडियोपैथिक डायबिटीज मेलाइटिस, दिस फॉर्म इज नॉट रिलेटेड टू द ऑटो इम्यूनिटी। ओके, सेकेंड है टाइप 1 इडियोपैथिक डायबिटीज मेलाइटिस, तो ये ऑटो इम्यूनिटी से रिलेटेड नहीं है। बीटा सेल डिस्ट्रक्शन इज ड्यू टू द अननोन कॉज, जो बीटा सेल्स होंगी वो डिस्ट्रक्ट तो होंगी लेकिन वो दूसरे कॉज के कारण होंगी, ऐसा नहीं होगा कि वो ऑटो इम्यून से डिस्ट्रक्ट हो। तो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस क्या चीज़ है? टाइप 2 है, दिस टाइप इज करेक्टराइज बाय द डिसऑर्डर ऑफ इंसुलिन। ठीक है, यहाँ पर क्या, इंसुलिन प्रोड्यूस तो हो रही है लेकिन उसमें डिसऑर्डर हो जा रहे हैं, इंसुलिन एक्शन में डिसऑर्डर हो जा रहे हैं एंड इंसुलिन सिक्रीशन में डिसऑर्डर हो जा रहे हैं। इंसुलिन बन रही है, बीटा सेल भी है, ऑटो इम्यून सिस्टम भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंसुलिन सिक्रीशन में प्रॉब्लम है और इंसुलिन एक्शन में प्रॉब्लम है। पेशेंट्स हैव रिलेटिव इंसुलिन डिफिशियंसी इन कंट्रास्ट टू एब्सोल्यूट इंसुलिन डिफिशियंसी इन टाइप 1 डायबिटीज। तो इसमें क्या है कि जब आप इंसुलिन सिक्रेट नहीं हो पा रही है तो वो जो पेशेंट है वो डिफिशियंट हो जाएगा, किस चीज़ के लिए, इंसुलिन के लिए। अगर इंसुलिन डिफिशियंट हो गया तो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत हाई हो जाएगा। तो ये टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस बेसिकली एडल्ट्स में होती है, और इसको इसलिए इसको कहा जाता है एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज, एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज, एंड वॉज अर्लियर रिफर टू एज नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। और इसको पहले हम लोग बोलते थे कि नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज है, थ्रू द टर्म इज ऑब्सोलीट नाउ। ओके, ऑब्सोलीट नाउ, अब वो चीज़ टर्म हट गया है और वो टर्म की जगह वो क्या आ गया है, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस। अदर टाइप्स भी हैं, दिस इंक्लूड्स दोज इन विच द अंडरलाइंग डिफेक्ट और डिजीज प्रोसेस कैन बी आइडेंटिफाइड इन अ रिलेटिव स्पेसिफिक मैनर, फाइब्रो कैलकुलस पेनक्रियाटोपैथी। अगर ये फाइब्रो कैलकुलस पेनक्रियाटोपैथी हो रही है तो भी आपको डायबिटीज होती है। ठीक है, नाउ कॉजेज क्या है, वॉट आर द कॉजेज ऑफ इटियोलॉजी फैक्टर्स फॉर डीएम डायबिटीज मेलिटस। फर्स्ट, पहला कॉज है जेनेटिक फैक्टर, जेनेटिक जो कि हेरिडिटरी डीएनए के थ्रू होता है, तो जेनेटिक जहाँ भी वर्ड आता है वहाँ पर डीएनए आरएनए का बात होगी, उसके एक्सप्रेशन की बात होगी। सो डायबिटीज मेलाइटिस मे बी कॉज बाय द एबनॉर्मेलिटीज इन जीन, अगर जीन में एबनॉर्मेलिटी हो रही है तो भी डायबिटीज मेलाइटिस हो सकती है। प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम एंड इंक्लूड, अगर जो क्रोमोसोम है जो बीटा सेल्स को फॉर्म कर रहे हैं और वो प्रोटीन फॉर्म कर रहे हैं, इंसुलिन फॉर्मेशन हो रही है लेकिन वो कोडिंग गलत हो जा रही है, तो इंसुलिन की जगह कोई दूसरा प्रोडक्ट बन जा रहा है, तो वो जेनेटिक डिसऑर्डर होगा, या कुछ अमाइनो एसिड चेंज जा रहा है तो भी जेनेटिक डिसऑर्डर है। सो जेनेटिक डिफेक्ट ऑफ बीटा सेल फंक्शन, हो सकता है कि ऐसे जेनेटिक डिफेक्ट हो जो बीटा सेल फंक्शन में रोके। म्यूटेशन इन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए में म्यूटेशन अगर हो जाए और अगर इंसुलिन एक्शन में डिफेक्ट हो जाए तो भी ये जेनेटिक कॉज होता है।
सेकेंड है इन्वायरमेंटल फैक्टर, दीज इंक्लूड्स द ओबेसिटी एसोसिएट विद मॉडर्न लिविंग स्टैंडर्ड। जैसे आजकल का युग है, खूब ओब्स लोग हो जा रहे हैं, खूब मोटे मोटे हो जा रहे हैं, तो देखा गया जो ओब्स लोग हैं उनमें जनरल टेंडेंसी ये है कि वो डायबिटिक होते ही होते हैं। स्टेडी अर्बन माइग्रेशन, जो गाँव से लोग शहर में चले जाते हैं तो उनकी लाइफ स्टाइल चेंज होती है, उनका खाना फूड चेंज होता है, फाइबरस चीज़ें कम खाते हैं, वो जंक फूड ज़्यादा खाने लगते हैं, तो इससे क्या होता है कि ओबेसिटी डेवलप होती है। लाइफ स्टाइल चेंजेस इंक्लूडिंग कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल, यस इट्स अ बिग इशू कि अगर बाहर जा रहे हैं आप, अर्बनाइज हो रहे हैं, तो आप वहाँ पर अल्कोहल ले रहे हैं, और अल्कोहल क्या करता है, डायबिटीज़ को इन्हांस करने में हेल्प करता है। फैक्टर्स विद इन द इंडिविजुअल, हो सकता है कि इंडिविजुअल का खुद का अकेले का फैक्टर हो जो डायबिटीज कॉज करे, ओके जैसे प्रोडक्शन ऑफ ऑटो एंटीबॉडीज दैट डिस्ट्रक्ट बीटा सेल, अगर किसी पर्सन में ऑटो एंटीबॉडी बन जा रही है और वो बीटा सेल को डिस्ट्रक्ट कर दे रहा है, तो वो भी एक फैक्टर है डायबिटीज मेलिटस का। डिफिशेंसी इन इंसुलिन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन, हो सकता है इंसुलिन सिंथेसाइज ही नहीं हो रहा हो, या सिंथेसाइज हो रहा हो तो सिक्रीट नहीं हो पा रहा हो, तो एक कारण ये भी है। इंसुलिन रेजिस्टेंस, बिकॉज द सेल डू नॉट रिस्पॉन्ड टू द इंसुलिन प्रोड्यूस, तो अगर जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात करें कि सेल जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करती, सेल्स जो है वो प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रही है, क्यों, क्योंकि वो सेल जो है वो रेजिस्टेंट हो गई इंसुलिन के लिए। एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स दैट एंटागोनाइज इंसुलिन एक्शन, या हो सकता है कि कोई ऐसा एंजाइम जो इंसुलिन को एंटागोनाइज कर ले, तो उसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है, जैसे ग्लूकागॉन एंटागोनिस्ट है इंसुलिन का, तो अगर उसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जा रहा है तो इंसुलिन जो है वो इफेक्टेड कम हो जाएगा। इन्फेक्शियस इन्फेक्शंस कॉज बाय वायरस दैट कॉज बीटा सेल डिस्ट्रक्शन, सॉरी बहुत सारे ऐसे वायरसेस हैं जो बीटा सेल्स को डिस्ट्रक्ट कर देते हैं, तो भी आपका इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं होगा और आपको डायबिटीज मेलिटस हो जाएगी। सिम्टम्स क्या है, व्हाट आर द सिम्टम्स, सिम्टम में आपको क्या दिखेगा कि डायबिटीज जो पर्सन है, डायबिटिक पर्सन जो है वो कैसे दिखता है, उसको क्या क्या चीज़ें विकार आते हैं, उसके शरीर में क्या क्या सारे चेंजेस होते हैं। द साइंस एंड सिम्टम ऑफ डायबिटिक वैरी, हमेशा जो है डायबिटीज़ का साइन और सिम्टम जो है वैरी करेगा, बदलेगा वाइडली डिपेंडिंग ऑन द इंक्रीज इन ब्लड शुगर लेवल, हो सकता है कभी ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा हो, कभी कम हो जाए। सो द करेक्टरिस्टिक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ डीएम इंक्लूड्स फर्स्ट ऑनसेट ऑफ डायबिटीज टाइप 1 डीएम यूजुअली बिगिंस ड्यूरिंग द चाइल्डहुड, तो टाइप 1 जो है वो चाइल्डहुड में बन जाएगा, प्रोग्रेसेस रैपिडली, दिस इज टर्म द जुवेनाइल डायबिटीज, और बहुत तेजी से बढ़ेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं जुवेनाइल डायबिटीज। इफ इट इज बिगिनिंग इन एडल्ट, और ये शुरुआत हो जाएगी एडल्ट के बिगिनिंग के लिए, ठीक है, इट प्रोग्रेसेस रिलेटिवली स्लोली एंड टर्म एज लेट ऑटोइम्यून डिजीज, और ये धीरे धीरे फैलती जाएगी और उसको ऑटोइम्यून डिजीज के फॉर्म में वो जनरेट हो जाएगी, जिसको आप LADA कहते हो, लेट ऑटोइम्यून डायबिटीज इन एडल्ट्स। ओके, सो अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स इन पेशेंट्स विद टाइप 1 डायबिटीज, सिम्टम्स अपीयर इन द इनिशियल स्टेज, तो टाइप 1 के केस में अगर हम बोलें तो हमेशा क्या है कि बहुत इनिशियल स्टेज में ही आपका डायबिटीज शुरुआत हो जाती है और बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है दैन टाइप 2। टाइप 2 थोड़ा कम सीवियर है, टाइप 1 ज़्यादा सीवियर है। सो पेशेंट विद टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस में एक्सपीरियंस द सिम्टम्स एट अ लेटर स्टेज, जबकि टाइप 1 में क्या है कि जैसे ही डायबिटीज हुआ आपको सिम्टम्स शो होने लगेंगे, जबकि टाइप 2 में सिम्टम्स जो हैं वो काफ़ी दिन बाद शो होंगे। फॉर एग्जाम्पल फटीग है, हेडेक है, फटीग मीन्स थकावट है, बहुत थकान आ जाएगी, हेडेक हो जाएगा, सर में पेन होएगा, ब्लर्ड विजन, आपकी आँखों में विजन रोशनी कम हो जाएगी, इरिटेबिलिटी, आप हमेशा चिड़चिड़े से रहेंगे, तो ये नॉर्मल आपका सिम्टम है। पॉलीयूरिया या पॉलीडिप्सिया, बहुत ज़्यादा यूरिन होगी या बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी आपको,
इसका डायग्नोसिस क्या है, कैसे आप इसको पता कर लगाओगे, कैसे डायग्नोज करोगे? सो डायग्नोसिस ऑफ डीएम कैन बी मेड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग टेस्ट। फर्स्ट क्लिनिकल एग्जामिनेशन, पहला क्लिनिकल आप एग्जामिन करोगे, द क्लासिकल सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज इंक्लूडिंग द पॉलीडिप्सिया, सबसे पहले आपको प्यास बहुत लगने लगेगी, पॉलीफेजिया एंड द पॉलीयूरिया हेल्प टू डायग्नोज डायबिटीज, पॉलीयूरिया बहुत ज़्यादा यूरिन भी होगी। सो लेबोरेटरी टेस्ट आप करोगे, उसमें लेबोरेटरी टेस्ट में क्या करोगे, यूरिन टेस्ट, यूरिन इज टेस्टेड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोसूरिया कहेंगे, अगर यूरिन में ग्लूकोज है तो उसको ग्लूकोसूरिया कहेंगे, कीटोन अगर प्रेजेंट है तो कीटो यूरिया बोलेंगे या कीटोन यूरिया। सिंगल ब्लड शुगर एस्टिमेशन जो आज की कंडीशन में लोग करते हैं बहुत ईजिली, ब्लड लेते हैं फास्टिंग कंडीशन में लेते हैं, और इनफैक्ट जब फर्स्ट मॉर्निंग में जब वो 12 घंटे के बाद फास्टिंग कंडीशन होती है उसके बाद पहला चेक करते हैं और उसके बाद सेकंड लेते हैं आफ्टर मील। तो ग्लूकोज वैल्यू जो होती है 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। इनफैक्ट द प्रेजेंस ऑफ डायबिटीज़, और ये इसका जो डायबिटीज़ का प्रेजेंस है, ठीक है। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, अगर थर्ड हमें चेक करना हो कि कैसे है, तो ये जो वैल्यू है कंसीडर्ड एबनॉर्मल डिटेक्टिंग डायबिटीज हैज़ बीन डिस्क्राइब इन अदर टेस्ट। फर्स्ट इंसुलिन ऐसे, तो आपको इंसुलिन ऐसे करना है तो आपको एलाइजा करना पड़ेगा। एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे एक टेक्निक है जिसमें रेडियो इम्यूनो ऐसे यूज़ होता है, ठीक। रिया यूज़ होगा रेडियो इम्यूनो ऐसे, या एलाइजा यूज़ होगा। एलाइजा में क्या यूज़ होता है, फ्लोरोसेंट मटेरियल यूज़ होता है, फ्लोरोसेंट डाई यूज़ होती है। तो एलाइजा रिया से ज़्यादा ईजी है, जिससे आप इंसुलिन का टेस्ट करते हो कि इंसुलिन नॉर्मल कंडीशन में बन रहा है या नहीं बन रहा है। ओके, तो ये आपके टेस्ट थे। और आपको क्या करना है, नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोच क्या अपनानी है, आपको अपना बॉडी वेट कंट्रोल करना है, आपको वेट कंट्रोल करना है, ओब्स नहीं होना है। अगर आप बॉडी वेट कंट्रोल कर रहे हो तो आपकी डायबिटीज़ जो है वो कंट्रोल आ जाएगी। रिस्ट्रिक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल कंजम्पशन, आपको कोलेस्ट्रॉल कम से कम कंज्यूम करना है। अवॉइडिंग एक्सेसिव सॉल्ट इंटेक, बहुत ज़्यादा सॉल्ट भी नहीं लेना है, आपको इंटेक नहीं करना है। यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल स्वीटनर, आप सुक्रोज या ग्लूकोज की जगह आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज़ कर सकते हो, अगर आपको टेस्ट बड पे मीठा अगर चाहिए, मीठा चाहिए कि आपको मीठा लगे, तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आते हैं उसको आप यूज़ कर सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी आपको बढ़ानी है, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज आपको फास्ट करनी है या ज़्यादा करनी है। फार्माकोलॉजिकल अप्रोच क्या है, कि इंसुलिन ड्रग यूज फॉर इंसुलिन थेरेपी कैन बी कैटेगराइज एज फर्स्ट ड्रग इम्प्रूविंग द ड्रग्स इंक्लूडिंग इन द ग्रुप आर एक्सोजेनस इंसुलिन। तो पहला कह रहा है कि अगर आप फार्माकोलॉजिकल मेथड पे जाते हो तो आपको अपने शरीर में इंसुलिन लेना पड़ेगा थ्रू इंजेक्शन। सो एक्सोजेनस इन द फॉर्म ऑफ इंसुलिन जिंक सस्पेंशन, आइसोफेन, प्रोटामीन जिंक इंसुलिन एंड इंसुलिन एनालॉग आपको लेना है, डिलीवर्ड थ्रू द इंसुलिन सिरिंजेस, इंसुलिन की जो सिरिंज आती है उसके थ्रू आपको इंसुलिन लेना है। सल्फोनिल यूरियाज, दीज इंक्लूड्स द टॉल ब्यूटामाइड एंड क्लोरो प्रोपामाइड एंड ग्लिम्पराइड, ये आपका क्या है, सल्फोनिल यूरिया है, और इसको भी आप ले सकते हो इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए। मैग्नीटाइड एंड फेनिलएलानिन एनालॉग्स ये भी हैं, दीज इंक्लूड्स द रेपाग्लिनाइड्स एंड नेस्टीग्लिनाइड्स, ठीक। तो इससे भी क्या है, इंसुलिन प्रोडक्शन होगा और इंसुलिन का लेवल आपका बढ़ेगा। सेकेंड डिजीज जो आती है डायबिटीज मेलेटस के बाद, जो बहुत ही कॉमन है, वो है गैलेक्टोसीमिया, क्लियर। गैलेक्टोसीमिया इट इज ऑल्सो जेनेटिक डिसऑर्डर, ये भी जेनेटिक डिसऑर्डर है और एक हेरिडिटरी, एक जनरेशन टू दूसरे जनरेशन जा, हेरिडिटरी हो चाहे ना हो, लेकिन कहाँ से शुरुआत होगी इसकी, जीन से, मीन्स जीन में कोई डिफेक्ट होगा, चाहे म्यूटेशन हो जाए, चाहे अमाइनो एसिड में कोई चेंजेस आ जाए। सो व्हेन द एबिलिटी टू इट इज द एबिलिटी टू मेटाबोलाइज गैलेक्टोज शुगर इज हैम्पर्ड, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो गैलेक्टोज है, गैलेक्टोज शुगर जो है वो मेटाबोलाइज नहीं हो पा रही नॉर्मल कंडीशन में, तो इसलिए इसका नाम है गैलेक्टोसीमिया। द लिटरल मीनिंग ऑफ टर्म गैलेक्टोसीमिया इज एक्सेस ऑफ गैलेक्टोज और गैलेक्टोज इन ब्लड, गैलेक्टोसीमिया मीन्स कि बहुत ज़्यादा गैलेक्टोज आपके ब्लड में इकट्ठा होने लगे, बहुत ज़्यादा ब्लड में आपके गैलेक्टोज फ्लो होने लगे,
उस डिजीज का नाम है गैलेक्टोसीमिया। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ गैलेक्टोसीमिया? फर्स्ट, द एब्सेंस ऑफ नॉन फंक्शनली ऑफ गैलेक्टोज वन फॉस्फेट एंजाइम। तो इसको हम लोग GALT एंजाइम कहते हैं, GALT गाल्ट एंजाइम, गैलेक्टोज वन फॉस्फेट यूरिडिनिल ट्रांसफरेज, गैलेक्टोज वन फॉस्फेट यूरिडिनिल ट्रांसफरेज, GALT, गैलेक्टोज वन फॉस्फेट यूरिडिनिल ट्रांसफरेज। ये एक एंजाइम है जो नॉन फंक्शनल हो जाता है और गैलेक्टोज को तोड़ता नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको गैलेक्टोसीमिया हो जाता है। सो दिस एंजाइम प्रेजेंट इन द लीवर इन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ गैलेक्टोज। ये लीवर में प्रेजेंट होगी और ये क्या करेगी, गैलेक्टोज को तोड़ेगी। अ शुगर बाई प्रोडक्ट ऑफ लैक्टोज फाउंड इन ब्रेस्ट मिल्क। तो ये क्या होता है, जो बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं और उनके उनके अंदर ये एंजाइम नहीं बन रहा है तो गैलेक्टोसीमिया हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो लैक्टोज ले रहे होते हैं और लैक्टोज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से बनता है। सो व्हेन दिस कन्वर्जन डज नॉट अकर, गैलेक्टोज एंड इट्स बाय प्रोडक्ट एक्यूमुलेट्स गैलेक्टोज वन फॉस्फेट इन द टिश्यू एंड ब्लड एंड ऑल्सो अफेक्ट द बॉडी पार्ट्स। तो ये क्या करेंगे, टिश्यू में इकट्ठा होते जाएंगे और बहुत सारे बॉडी पार्ट्स को भी अफेक्ट करेंगे। तो गैलेक्टोसीमिया के सिम्टम्स क्या हैं? एपेटाइट लॉस, वेट लॉस होगा, भूख नहीं लगेगी, जॉन्डिस हो जाएगा, येलोइंग आईज, येलोइंग नेल्स और येलो पेल चेहरा भी आपका हो जाएगा, बॉडी पार्ट्स भी येलोइश हो जाएंगे, स्किन कलर, इनलार्जमेंट ऑफ लीवर, लीवर इनलार्ज हो जाएगा, लीवर डैमेज भी हो सकता है और एबनॉर्मल ब्लीडिंग होगी। अगर कहीं कट गया है तो ब्लीडिंग भी बहुत एबनॉर्मल हो जाएगी, लॉस इन वेट, और वेट जो है बहुत लॉस हो जाएगा, आप बहुत दुबले हो जाओगे गैलेक्टोसीमिया में। तो ये चाइल्डहुड डिजीज है जो कि लैक्टोज वो फीड करते हैं बेबी। डायग्नोसिस क्या है कि गैलेक्टोसीमिया इज डायग्नोज विद द हेल्प ऑफ टेस्ट परफॉर्म ड्यूरिंग द रेगुलर स्क्रीनिंग ऑफ न्यू बॉर्न्स। तो न्यू बॉर्न्स का अगर आप रेगुलर चेक कर रहे हो तो वहां पर ही आपको पता लग जाएगा कि गैलेक्टोसीमिया है कि नहीं। यूरिन टेस्ट एंड जेनेटिक टेस्ट कैन ऑल्सो बी डायग्नोज द गैलेक्टोसीमिया। अगर यूरिन टेस्ट कर रहे हैं और गैलेक्टोज के लिए हम लोग टेस्ट कर रहे हैं तो वहां पर भी हमको ये पता लग जाएगा गैलेक्टोसीमिया इज देयर और नॉट। सो ट्रीटमेंट क्या है, द मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट फॉर गैलेक्टोसीमिया इज कंजम्पशन ऑफ लो गैलेक्टोज डाइट। तो उस बेबी को हम क्या देंगे, ऐसा डाइट देंगे जिसमें लैक्टोज की मात्रा कम हो, प्रोटीन ज्यादा हो, ठीक है, ग्लूकोज ज्यादा हो। Thus, the intake of milk and other foods containing lactose or galactose should be avoided. तो हम लोग ऐसा फूड को अवॉइड करेंगे जिसमें गैलेक्टोज या लैक्टोज प्रेजेंट हो। सो इसका कोई कंट्रोल नहीं है, इसका कंट्रोल तो कर सकते हैं, कोई क्योर नहीं है, ठीक। उस एंजाइम को हम बना के अंदर नहीं डाल सकते क्योंकि वो जेनेटिकली जो आपके यहाँ डिसफंक्शन हो गई एंजाइम, GLT एंजाइम डिसफंक्शन हो गई, तो हम आपके पूरे शरीर का या बच्चे का हम जेनेटिक मेकअप नहीं चेंज कर सकते, ठीक है। तो इसको कंट्रोल किया सकता है, बस आपको क्या करना है, सावधानी बरतनी है, लैक्टोज और गैलेक्टोज वाले प्रोडक्ट आपको कम खाने हैं, कम लेने, बच्चों को कम देने। सेकेंड थर्ड डिजीज जो है वो फ्रक्टोज डिसऑर्डर की है, वो हेरिडिटरी है, जिसको आप कहते हो फ्रक्टोज इनटॉलरेंस। सीधा सीधा मतलब निकल रहा है फ्रक्टोज इनटॉलरेंस का कि फ्रक्टोज को ना पचा पाना, फ्रक्टोज को ना कंज्यूम कर पाना। हेरिडिटरी फ्रक्टोज इनटॉलरेंस HFI इज अ कंडीशन इन विच द एबिलिटी ऑफ एन अफेक्टेड इंडिविजुअल टू डाइजेस्ट फ्रक्टोज इज हैम्पर्ड। फ्रक्टोज इज प्रेजेंस इन फ्रूट्स, सुक्रोज, टेबल शुगर, इन्फेंट प्रिपरेशन कंटेनिंग द सुक्रोज। तो आपको फ्रक्टोज कहाँ से मिलेगा, फ्रूट से मिलता है आप खाते हो, और कहाँ से खाते हो, सुक्रोज, टेबल शुगर से फ्रक्टोज मिलता है। क्यों? क्योंकि जो शुगर है, जो सुक्रोज है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनता है। तो अगर आप फ्रक्टोज को तोड़ नहीं पा रहे हो, कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो ग्लूकोज में, तो वो भी आपके शरीर में, बॉडी ब्लड में एक्यूमुलेट होता रहेगा, मूवमेंट करता रहेगा, तो उस डिजीज को हम लोग बोलेंगे फ्रक्टोज इनटॉलरेंस। कॉज क्या है, सिंपल, वन एंजाइम फ्रक्टोज वन फॉस्फेट एल्डोलेज एंजाइम प्रेजेंट इन द लीवर वॉज डिफिशियंट, इज डिफिशियंट। फ्रक्टोज वन फॉस्फेट जो एल्डोलेज एंजाइम है वो डिफिशियंट हो जाता है हमारे लीवर में, तो क्या होता है कि फ्रक्टोज कन्वर्ट नहीं हो पाता है ग्लूकोज में और टूट नहीं पाता है। फ्रक्टोज 1,6
बिसफॉस्फेट आपने पढ़ा होगा ग्लाइकोलिसिस में, सो फ्रक्टोज वन फॉस्फेट वो कन्वर्ट नहीं होगा 1,6 बिसफॉस्फेट में, और उसको एल्डोलेज 2 में डिवाइड नहीं कर पाएगा, ग्लिसरलडिहाइड 3 फॉस्फेट में नहीं तोड़ पाएगा, और DHAP डाइहाइड्रोक्सीसीटोन फॉस्फेट 2 में नहीं तोड़ पाएगा। तो ये 6 कार्बन का कंपाउंड है फ्रक्टोज, तो जब तक तीन तीन में वो टूटेगा नहीं तो ग्लाइकोलिसिस नहीं चलेगी, ग्लाइकोलिसिस नहीं चलेगी तो वो एनर्जी नहीं लिबरेट होगी, ATP लिबरेट नहीं होगी, तो वो हमेशा वीकनेस फील करेगा। सो ट्रीटमेंट क्या है कि इन्वॉल्व्स अ स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड डाइट ऑफ पेशेंट, जो पेशेंट की डाइट है वो बहुत कंट्रोल वे में देनी चाहिए। ऑल फ्रक्टोज सुक्रोज एंड सॉर्बिटॉल कंटेनिंग फूड्स आर स्ट्रिक्टली एलिमिनेटेड एंड देयर डेली डाइट इफ द लीवर डिजीज हैज रीच्ड अ लाइफ थ्रेटनिंग स्टेज, लीवर ट्रांसप्लांटेशन इज अ रिकमेंडेड फॉर ट्रीटिंग द HFI। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो गई है तो उस केस में लीवर डैमेज अगर हो गया तो लीवर आपका ट्रांसप्लांट करना ज़रूरी हो जाता है, आपको लीवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहला डिजीज़ हमने पढ़ा था डायबिटीज मेलाइटिस, दूसरा डिजीज़ पढ़ा था गैलेक्टोसीमिया, और तीसरा डिजीज़ पढ़ा है अभी हमने फ्रक्टोज इनटॉलरेंस टेस्ट, और चौथा जो डिजीज़ है उसको हम लोग कहते हैं ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ GSD। तो ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज क्या है ये? अ कॉन्स्टेंट ग्लूकोज सप्लाई टू द ब्रेन RBC एंड द एड्रिनल मेड्यूला, द इनर पोर्शन ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड इज इसेंशियल फॉर प्रॉपर मेटाबॉलिक फंक्शंस ऑफ द बॉडी। तो कह रहा है कि ब्रेन को ग्लूकोज चाहिए, RBC को ग्लूकोज चाहिए, एड्रिनल मेडुला को ग्लूकोज चाहिए ही चाहिए नॉर्मल कंडीशन में, बॉडी को नॉर्मल फंक्शन करने के लिए। एंड द बॉडी दिस सप्लाई बिगिंस टू द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर ट्रांसपोर्ट ऑफ द प्रोटीन फैसिलिटेट द ग्लूकोज अपटेक इन टू द सेल लाइनिंग एंड द गट। दिस ग्लूकोज एंड देन इंटर्स द लीवर वाया ब्लड सर्कुलेशन एंड इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो क्या कह रहा है कि इन सारे फंक्शंस को करने के लिए हमें ग्लूकोज चाहिए। ग्लूकोज का अपटेक जो है इंटेस्टाइन में बढ़ जाता है ट्रांसपोर्टेशन जब होता है, और जो सेल की लाइनिंग है गट की, कह रहा है कि ग्लूकोज जब एंटर करता है लीवर में वाया ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू, तो वो स्टोर होने लगता है लीवर के अंदर किस फॉर्म में? ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लाइकोजन में। तो ग्लाइकोजन क्यों ज़रूरी है, ग्लाइकोजन क्या है? तो जब हमारे अंदर बहुत ज़्यादा शुगर या बहुत ज़्यादा ग्लूकोज इकट्ठा होने लगता है तो वो लीवर में कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन क्या करता है, उसको एक जगह स्टोर करके रख देता है, और वही हमारा स्टोरेज एनर्जी सोर्स है। अगर हमको खाना नहीं मिल रहा है तो ग्लाइकोजन ही ब्रेक होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, फिर ग्लूकोज ब्रेक होता है ग्लाइकोलिसिस के थ्रू जो ATP प्रोड्यूस करता है। तो अगर ये ग्लाइकोजन बनने में कोई दिक्कत आ जाए, कोई डिजी कोई ऐसा एंजाइम हो जो काम ना करे, तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज। ठीक है, इसीलिए पैराग्राफ यहाँ पर डिस्कस किया कि ग्लूकोज क्यों ज़रूरत है, और ग्लूकोज जब ज़्यादा हो जाता है तो लीवर में जाके ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा होने लगता है, अब वो ग्लाइकोजन एनिमल्स का स्टोरेज फॉर्म ऑफ फूड है। सो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम जो है वो डिफिशियंट अगर हो जाए, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज या G6PD अगर वो डिफिशियंट है, अगर वो एक्स लिंक जेनेटिक डिसऑर्डर है ये एक्चुअली, और अगर वो एंजाइम नहीं बन रहा है तो मोस्टली ये मेल्स में प्रेजेंट होता है, तो दिस कंडीशन अफेक्ट्स द RBC। तो क्या होगा, RBC को भी एनर्जी नहीं मिलेगी, विच कैरी ऑक्सीजन इन द फॉर्म फ्रॉम द लंग्स टू अदर बॉडी टिश्यू। तो जो हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन सप्लाई करती है पूरे बॉडी टिश्यूज़ में लंग्स से, तो इन दिस डिजीज डिफिनीशन ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड डिफिशेंसी ऑफ द एंजाइम इज कॉल्ड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज कॉजेज द ब्रेक डाउन ऑफ प्री मैच्योर RBC। तो ये एंजाइम क्या करेगा कि RBC को ब्रेक कर देगा, जबकि प्री मैच्योर RBC जब पूरी RBC बनेगी नहीं उससे पहले इसको तोड़ देगा। दिस कंडीशन ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC इज नोन एज अ हीमोलिसिस, और इसको हम लोग हीमोलिसिस के नाम से जानते हैं। सो ग्लूकोज 6 डिहाइड्रोजनेज एंजाइम जो है वो RBC को प्री मैच्योरली ब्रेक कर देगा, तोड़ देगा, रप्चर कर देगा और हीमोलाइसिस हो जाएगी। तो इसके कॉज क्या है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, सर्टेन ड्रग्स होती हैं सच एज एंटीबायोटिक एंड मेडिसिन यूज टू ट्रीट द मलेरिया, जब मलेरिया ट्रीट करते हैं तो भी हो सकता है कि वहाँ पर RBC जल्दी जल्दी डिस्टर्ब हो जाए। तो ये कॉज है
आपके ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम डिफिशियंसी के सिम्टम्स क्या है। हीमोलिटिक एनीमिया द मोस्ट कॉमन कंपाइनेशन ऑफ हीमोलिटिक एनीमिया हो जाएगा, मींस आपके अंदर खून नहीं बनेगा, खून जो बनेगा भी तो क्या होगा बहुत अर्ली स्टेज पे वो डिसट्रक्ट हो जाएगा, इसको हीमोलिटिक एनीमिया कहेंगे। या ब्रेक डाउन रेट ऑफ आरबीसी फास्टर देन द प्रोडक्शन, आरबीसी का जो बनना है वो टूटने से बहुत कम हो जाएगा, आरबीसी डिस्ट्रक्ट हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, उससे कहीं कम बनेगी आरबीसी। So symptoms can be diagnosed by simple blood test to check the glucose 6-phosphatidylase enzyme. तो किट आती है जो आपके इस एंजाइम को टेस्ट करेगी, वाइल कंप्लीट ब्लड काउंट, सीरम हीमोग्लोबिन एंड द रेटिकुलोसाइट काउंट टेस्ट आर सम अदर डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज्ड टू मेजर द नंबर ऑफ आरबीसी। इसमें क्या है, ब्लड टेस्ट में बना के आप आरबीसी का नंबर अगर काउंट करते हो थ्रू माइक्रोस्कोप तो भी आप पता लग जाएगा कि ये डिजीज है कि नहीं। ओके, तो आज आप क्या पढ़ा है कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स से मेटाबॉलिक डिजीज हो रही है या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जितने भी डिजीजेस हो रही हैं उसका कौन कौन सा सिम्टम आया है, उसको हम कैसे क्योर करेंगे, इस बारे में आज हमने ये चीज़ पढ़ा है और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और इसको आप लोग नोट्स को मैं अवॉइड करूँगा, इसको आप फिर से पढ़ लीजिएगा, कुछ जगह कुछ मुझे लग रहा है हल्का कहीं से स्पेलिंग से कुछ एक दो जगह मुझे मिले हैं तो उसके लिए मैं उसको करेक्ट कर दूंगा, उसमें कंफ्यूज नहीं होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।